दोस्तों सब्सक्राइब करें ये एक्स मनाने यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं सैमसंग J76 के बारे में। आप यहां पर देख रहे हैं सैमसंग J76 प्लस है ये मेरे हाथ में और इस मोबाइल के अंदर में FRP लॉक लगा हुआ है, ठीक है। दोस्तों आप यहां पर देख रहे हैं सैमसंग J76 प्लस और इसके पीछे में जो लिखा हुआ होता है वो होता है J610F। तो J7 प्राइम में G610F है और J6 प्लस में J610F है। तो दोस्तों चलिए पहले हम आपको इस मोबाइल को कंप्लीट ऑन करके दिखाते हैं आपको कि इस मोबाइल के अंदर में जो है FRP लॉक लगा हुआ है। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं मोबाइल ऑन हो चुका है, कंप्लीट ऑन हो चुका है ये मोबाइल। अब इसके बाद हम इसे यहां पे नेक्स्ट करेंगे, आपको दिखाते हैं यहां पे नेक्स्ट करके सेटअप करके दिखाते हैं आपको इसका किस मोबाइल के अंदर में FRP लॉक लगा हुआ है या नहीं। तो आप देख सकते हैं यहां पे कि इसमें गूगल अकाउंट मांगा जा रहा है, यहां पे हम नेक्स्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा वाईफाई कनेक्ट है इस मोबाइल के अंदर में, तो यहां पे नेक्स्ट करने का ऑप्शन हमें मिल रहा है। वाईफाई को जैसे हम ऑफ करेंगे यहां पे ये जो एरिया जो है नेक्स्ट का हाइड हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इससे साबित होता है कि इस मोबाइल के अंदर में जो है FRP लॉक लगा हुआ है। जैसे हम वाईफाई कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमें नेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है, जैसे हम वाईफाई को ऑफ करते हैं तो हमें यहाँ पे नेक्स्ट का एरिया जो है हाइड हो जाता है। तो चलिए इस मोबाइल को हम दिखाते हैं आपको बैक करके किस तरह से इस मोबाइल का हम बाईपास कर सकते हैं। तो बाईपास करने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे स्क्रीन पर आपको दो उंगली जो है अपना आपको यहाँ पे स्क्रीन पर कुछ देर के लिए आपको यहाँ पे रखना है और कुछ देर तक आप इस दो उंगली को यहाँ पे स्क्रीन पर रखेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है इसका टॉल बैक सेटिंग जो है इनेबल हो जाएगा। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टॉल बैक सेटिंग इनेबल हो चुका है। इसमें आपको L बनाना है, जैसे आप L बनाएंगे उसके बाद यहाँ को टॉल बैक सेटिंग का जो ऑप्शन मिलता है उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको करना यह है कि इसके अंदर में जो टॉल बैक सेटिंग इनेबल है इसे आपको ऑफ करना है। ऑफ कैसे करेंगे आप, ऑफ करने के लिए आपको वॉल्यूम प्लस माइनस दोनों को कंटिन्यू सेम टाइम प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे वॉल्यूम प्लस माइनस दोनों को कंटिन्यू सेम टाइम प्रेस करना है। उसके बाद ऑटोमेटिकली टॉल बैक सेटिंग ऑफ हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टॉल बैक सेटिंग ऑफ हो चुका है। उसके बाद हम आसानी से यहाँ पे काम कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हेल्प एंड फीडबैक पे क्लिक कर देना है, सबसे ऊपर में आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको यूट्यूब का जो है लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे YouTube के लिंक पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पे YouTube के लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप YouTube पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे करना क्या है कि YouTube में ऑटोमेटिकली वीडियो प्ले होता है, तो आपको करना यह है कि आपको नीचे की ओर थोड़ा स्क्रॉल करना है इस तरह से। उसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर में एक छोटा सा आपको लोगो मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको बीच में क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक लिंक टाइप करना है, लिंक टाइप करना है आपको www.xmandan24.com, यानी कि हमारी वेबसाइट का लिंक आपको टाइप करना है, क्योंकि इस मोबाइल को बाईपास करने का जो फाइल है उसे मैंने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। तो आपको यहां पे सिंपली टाइप करना है www.xmandan24.com। xmandan24 ऑनलाइन स्टोर यहां पे दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर देना है आपको। उसके बाद डायरेक्ट आप मेरी वेबसाइट पे आ जाएंगे। उसके बाद आप यहां पे देख सकते हैं कि ऊपर में यहां पे फ्री सॉफ्टवेयर पेज लिखा हुआ है, इधर एक्टिवेशन लिखा हुआ है, ठीक है, और राइट साइड में यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री सॉफ्टवेयर पेज, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे मेरी सॉफ्टवेयर पेज में, मेरी दूसरी वेबसाइट पे आ जाएंगे आप। यहाँ पे सबसे ऊपर में आपको यहाँ पे फाइल मिल रहा है, ठीक है, FRP फाइल मिल रहा है आपको 1.0, उसके बाद आपको 8.1 मिल रहा है आपको, ठीक है। सबसे पहले आपको 8.1 आपको जो है डाउनलोड कर लेना है, उस पर क्लिक मार देना है। ऑटोमेटिक यहाँ पे मीडिया फायर का लिंक मिल रहा है आपको, इस पर क्लिक मारना है और ऑटोमेटिकली यह फाइल जो है डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे आपको इस फाइल को जो है सेव करना है। तो पहला फाइल आपको डाउनलोड करना है कंप्लीट। ये जब फाइल डाउनलोड हो जाएगा आपके मोबाइल के अंदर में, फिर आपको बैक जाना है। बैक अगर के आपको वापस हमारी वेबसाइट पे आना है, उसके बाद दूसरा वाला जो फाइल है आपको उसे डाउनलोड करना है 1.0, ठीक है, इसे डाउनलोड करना है आपको। जैसे आप डाउनलोड पर क्लिक मारेंगे तो ये फाइल डाउनलोड हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सेव करने का ऑप्शन है, सेव मैंने क्लिक किया, उसके बाद ये फाइल जो है डाउनलोड हो गया, ओपन करने का ऑप्शन मिला हमें। उसके बाद इस फाइल को हम यहाँ पर इंस्टॉल कर देंगे मोबाइल के अंदर में, उसका ओपन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर में 3 डॉट हमें यहाँ पे मिल रहा है, इस पर क्लिक करना है, ब्राउजर साइन इन पे क्लिक मारना है, यस मारना है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे कोई भी अपना ईमेल आईडी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे एक ईमेल आईडी टाइप कर देते हैं। उसके बाद इस मोबाइल को हमें बाईपास करना है, तो पहले हमें यहाँ पे अपना एक कोई भी ईमेल आईडी, ठीक है, इसमें यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद नेक्स्ट करना है और पासवर्ड डालना है। चलिए फटाफट हम यहाँ पे पासवर्ड टाइप कर देते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे।
तो दोस्तों ये ईमेल आईडी ले चुका है, ये मोबाइल ये डिवाइस जो है एक्सेप्ट कर चुका है ईमेल आईडी को। अब हमें करना क्या है कि हमें वापस बैक जाना है, बिल्कुल बैक आ जाना है, बिल्कुल वापस आ जाना है हमें, जहां पे हम थे पहले उसी जगह हमें वापस आ जाना है बिल्कुल बैक होकर के। उसके बाद हमको मोबाइल को करना क्या है कि मोबाइल को हमें रिस्टार्ट करना है। चलिए पहले हम यहाँ पे बैग आते हैं, बैग आने के बाद जो है हम इस मोबाइल को रिस्टार्ट कर देंगे। आप रिस्टार्ट भी कर सकते हैं मोबाइल को, और अगर आप रिस्टार्ट करना ना चाहें तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है हमें नेक्स्ट करने का ऑप्शन मिल चुका है। चलिए अब यहाँ से हम सेटअप कर सकते हैं और हमें रिस्टार्ट करने की भी जरूरत नहीं है। अब यहाँ से हम सेटअप कर सकते हैं, अब यहाँ पे कोई भी जो है FRP नहीं मांगा जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम आपको दिखाते हैं इस मोबाइल को कंप्लीट सेटअप करके कि इस मोबाइल का जो FRP अभी हमने जो बाईपास किया है वो कंप्लीट हुआ है कि नहीं, और उसके बाद जो ईमेल आईडी मैंने इस मोबाइल के अंदर में भी डाला था फेक ईमेल आईडी बाईपास करने के लिए, उस ईमेल आईडी को भी मैं आपको डिवाइस के अंदर में जो दिखाऊंगा सेटिंग के अंदर में जाकर कि उस ईमेल आईडी को कि जो ईमेल आईडी मैंने डाला था वो ईमेल आईडी उसमें शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों मैं बता दूं जब मोबाइल कंप्लीट बाईपास हो जाएगा तो जो भी फेक ईमेल आईडी आप डालेंगे मोबाइल के अंदर में, ठीक है, तो बाद में जो है आप मोबाइल के अंदर में जाने के बाद सेटिंग में जाकर के उस ईमेल आईडी को आप वहां से अकाउंट में जाकर उसे रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप किसी काम आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।